अभी सवाल आता है कि आपके एम्प्लॉयज को आपने डिफरेंट डिफरेंट स्किल डेवलप कर लिए, आपने अपनी पर्सनैलिटी को भी इंप्रूव कर लिया, बहुत सारी चीजें आपको नहीं आती थी आपने वो सब भी सीख ली, बट अभी सवाल आता है कि जो कंपनीज में जो प्रोडक्टिविटी होती है, काफी बार ऐसा होता है कि कंपनीज में प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती है, यू नो जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, सो बेसिकली कंपनी में एक गुट बटे रहते हैं, बेसिकली आई नॉट कॉल देम टीम, आई कॉल देम ग्रुप। सो बेसिकली आप अपनी कंपनीज में ग्रुप को कैसे हटा के टीम बनाएं। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम इज कि ग्रुप में पीपल ट्राई टू हैव फन, टीम में दे विल ट्राई टू क्रिएट अ प्रोडक्ट विद फन। सो बेसिकली दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम। सो ग्रुपिज्म को खत्म करके हाउ विल यू डेवलप द टीम, विल अंडरस्टैंड दैट इन दिस टॉपिक। सो बेसिकली अगर मैं ग्रुप और टीम के बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करूं तो ग्रुप जो है वो हमेशा यू नो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करता है, यू नो हम कभी भी इन्फॉर्मेशन क्रॉस फंक्शनल वे में पास नहीं होती, जबकि एक टीम के अंदर कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आती है और वो सभी लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है ताकि सब लोग उस इन्फॉर्मेशन का अपना अपना एलिमेंट पुल आउट कर सके और उस इन्फॉर्मेशन को यूज कर सके। बेसिकली ग्रुप में चीज़ें हमेशा न्यूट्रल रहती हैं कि ठीक है हम अपना काम कर लेंगे, वो अपना काम कर लेते हैं, उनको अपना काम करने दो, बट कि जबकि टीम में हमेशा चीज़ें पॉजिटिव रहती है कि हम अगर अपना काम करेंगे तभी वो लोग अपना काम कर पाएंगे और तब उसी की हेल्प से हमारी आगे की टीम प्रोसीड कर पाएगी। सो सिनर्जी इज ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव कि जब तक टेक टीम प्रोडक्ट डेवलप नहीं करेगी तब तक टेस्टिंग टीम डेवलप टेस्ट नहीं कर पाएगी और तब तक ऑपरेशनल टीम उसको यू नो पूरा डेवलप नहीं कर पाएगी और तब तक सेल्स टीम उस प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएगी। तो एक प्रॉपर जो सिनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है। उसके अलावा ग्रुप के अंदर लोग इंडिविजुअल बेसिस पे काम करते हैं कि ठीक है हमारा यू नो एक कम्युनिटी वाला ग्रुप है या फिर एक लैंग्वेज वाला ग्रुप है या फिर एक टेक वाला ग्रुप है तो हम इंडिविजुअली काम करके छोड़ देंगे, बाकी ऑपरेशनल टीम अपना काम खुद संभाले, सेल्स टीम अपना काम खुद संभाले, फाइनेंस वाले अपना खुद देखें। जबकि टीम के अंदर यू नो फाइनेंस की टीम आती है, टेक टीम से बात करती है, ऑपरेशनल टीम टेक टीम से बात करती है, सेल्स टीम टेक टीम से बात करती है कि कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट आ रही है कस्टमर साइड से, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और यू नो जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। उसके अलावा अगर स्किल की बात करें तो ग्रुप के अंदर हमेशा लोग इंडिविजुअल अलग अलग स्किल यू नो रखते हैं और वो कभी भी अपनी स्किल शेयर नहीं करते कि मेरे अंदर ये स्किल है, आई कैन टीच यू दिस, आई कैन टीच यू दैट, एंड तुम मुझे ये सिखा दो, मैं तुम्हें ये सिखा दूँ। जबकि टीम के अंदर लोग आपस में एक दूसरे को चीज़ें सिखाते हैं, दे टेल ईच अदर कि ठीक है मुझे ये आता है, आई टीच यू दिस, आपकी जो स्किल है यू नो फॉर एग्जाम्पल कंपनी में एक पर्सन ऐसा है हु नोज हाउ टू कंट्रोल पीपल, यू नो हाउ टू मेक देम वर्क, जबकि कंपनी में एक इंडिविजुअल ऐसा है जो टेक्निकली काफी स्मार्ट है, उसको पता है कि चीजें कैसे करनी है, बट ही डू नॉट नो हाउ टू डील विद पीपल। सो बोथ ऑफ देम कैन यूटिलाइज देयर ओन स्किल, दैट इज अ काइंड ऑफ अ कॉम्प्लीमेंटरी स्किल डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली आपकी जो क्रॉस फंक्शनल टीम है वो एक प्रॉब्लम को लेकर पूरी टीम सोल्व करती है, या फिर आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के स्किल सोल्व करती है, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग क्रॉस फंक्शनल टीम बनाते हैं। तो ये तीनों ही टाइप की जो टीम्स हैं वो बेटर होती हैं, डिपेंड करता है कि उस प्रॉब्लम में, उस प्रोडक्ट में या फिर उस असेसमेंट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अभी सवाल आता है कि कैसे हम लोग एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करेंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग टीम को बिल्ड करने के लिए सबसे पहला स्टेज आता है सिलेक्शन का, जहां पर आप यू नो ऐसी स्किल के लोग को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर सेलेक्ट करते हैं जो कि उस पोस्ट के लिए सूटेबल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक फ्रंट एंड डेवलपर या फिर बैक एंड डेवलपर की रिक्वायरमेंट हो तो आप उस डेवलपर को चूज करेंगे जिसका ऑलरेडी उस स्किल के अंदर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको HTML या फिर जावा का कोई पर्सन चाहिए, कोई एम्प्लॉय चाहिए, तो आप हमेशा उसको चूज करेंगे जिसने कम से कम और किसी ऑर्गेनाइजेशन में HTML या जावा पे 1-2 साल काम किया हो, सो दैट वहां पे उसने जो भी चीजें सीखी हैं, जो भी लर्निंग सीखी है, जो भी मैनेजमेंट सीखी है, उसको ब्रिंग कर सके अपने साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर इस पोस्ट के साथ। सो यू ऑलवेज ट्राई टू सेलेक्ट दैट पर्सन हु इज अलाइंड विद दैट रोल। ये मैं बात कर रहा हूँ एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की। यू कंपनी ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग सम फ्रेशर एज वेल जस्ट टू गिव अ गुड न्यू एक्सपोजर टू द कंपनी। उस पर आता है ट्रेनिंग। ऑब्वियसली आपका जो रिक्वायरमेंट है और एग्जिस्टिंग बंदे ने जो काम किया है दैट माइट बी अ वेरी डिफरेंट, सो आप हमेशा उसको ट्रेन करते हैं कि दिस इज what you had worked on and this is what you need to work on. So इसमें कौन कौन सा difference है, कौन कौन सा transition है, उसके लिए they'll train them कि आपको इन इन चीज़ों के ऊपर और काम करना पड़ेगा, आपको ये skill और develop करने पड़ेंगे, and then you also need to reward them कि you know जितना अच्छा product build किया, जितना अच्छा आपने team के साथ मिलकर काम किया, उनको reward करना,
टाइम टू टाइम उनके इंसेंटिव देना, यू नो, उनको रिकॉग्निशन देना कि पहले आप जूनियर इंजीनियर थे, अभी आप सीनियर इंजीनियर हो जाएंगे, अभी आप यू नो टेक लीड हो जाएंगे. तो आप उनको प्रॉपर टाइम पे रिवॉर्ड देना, प्रॉपर टाइम पे उनको यू नो रिकॉग्निशन देना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी. अभी हम लोग बात कर लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में. एंड बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए यू नो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आपको राइट पीपल राइट जॉब के लिए राइट टाइम राइट प्लेस पे चाहिए. दैट इज द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. कि अगर आप कोई एक अच्छा प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको उसको यू नो सही लोग चाहिए आपको सही जॉब के लिए और सही टाइम पे, सो दैट यू कैन बिल्ड अ प्रोडक्ट विद अ मच फास्टर रेट. तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में यू नो काफ़ी बार आप पूरे कॉरपोरेट लेवल पे प्लानिंग करते हैं, यू नो एम्प्लॉयज़ की पॉलिसी क्या हो, जो भी एम्प्लॉयज़ कंपनी में आ रहे हैं उनको यू नो कौन कौन से फ़ायदे दिए जाएँ, उनका डेवलपमेंट कैसे हो, डाउन द लाइन उनको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, हायर एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाए. तो ये होती है कॉरपोरेट लेवल प्लानिंग, जो कि बेसिकली सेंट्रलाइज होती है. तो अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो डेलोइट है, डेलोइट की जो कॉरपोरेट लेवल प्लानिंग होगी वो उनके हेडक्वार्टर में होगी कि कैसे हमारी वर्ल्ड वाइड या फिर इंडिया में जितने भी यू नो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनाई जाए, कैसे उनको फ़ायदा दिया जाए, कैसे उनका डेवलपमेंट किया जाए. सो बेसिकली कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग होती है, सेंट्रलाइज एचआर टीम करती है और सेंट्रलाइज लेवल पे होती है. उसके बाद आती है इंटरमीडिएट लेवल प्लानिंग. सो बेसिकली ये जो होती है वो उसी जगह का जो ऑपरेशनल जो टीम होती है वो करती है कि कितने लोगों को रिक्रूट किया जाए इस छोटे सी ब्रांच के लिए, कितने लोगों को निकाला जाए और कैसे जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको रिटेन किया जाए. तो बेसिकली ये होती है इंटरमीडिएट लेवल प्लानिंग, जो कि लगभग इंडिविजुअल ऑफिसेज करते हैं. उसके बाद आती है ऑपरेशनल लेवल प्लानिंग कि कैसे कौन कौन से टास्क किन किन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं. तो अगर कोई नया प्रोजेक्ट आया है तो उस प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हैं, कौन कौन सी टास्क हैं, कौन कौन से टास्क किन किन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो वो आता है ऑपरेशनल लेवल प्लानिंग में. फिर आता है प्लानिंग फॉर शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़. लाइक फॉर एग्जाम्पल जो लोग हमारे प्रोजेक्ट बेसिस पे आए थे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आए थे तो वो लोग अभी छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको कैसे हैंडल करें, कैसे डील करें, उन लोगों को कैसे कैसे यू नो रिक्रूट करें, कैसे कैसे उनकी ले ऑफ करें, वो आता है सब शॉर्ट टर्म प्लानिंग में.